नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे LUNC कॉइन से जुड़ी कुछ बड़ी और लेटेस्ट अपडेट्स की, और उसी के साथ बाइनेंस के द्वारा LUNC को लेकर और इनका जो 1.2% टैक्स बर्न का प्रपोजल है उसे लेकर क्या कुछ अपडेट्स यहां पर प्रोवाइड की गई है, और उसी के साथ कुछ अदर एक्सचेंजेस भी आए हैं जिन्होंने यहां पर LUNC को लेकर अपडेट्स प्रोवाइड की है, उसको हम कवर करेंगे। लेकिन सबसे पहले अगर हम प्राइस की बात करें, अभी LUNC ट्रेड कर रहा है लूना क्लासिक 0.041 और लास्ट 24 आवर्स में ऑलमोस्ट यहां पर 16% बढ़ा हुआ है। मतलब अगर हम प्राइस की बात करें, कल यहां पर क्रैश के बाद जो हाई है उसने क्रिएट किया था नया हाई 0.046 का। अगर हम वन मंथ की बात करें या फिर 24 आवर्स की बात करें, ये प्राइस हाईएस्ट देखने को मिलेगा। 35 का लोवेस्ट यहां पर हिट किया था, उसके बाद बढ़ता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन फिर से यहां पर जो रिएक्शन है वो कहीं ना कहीं 46 के लेवल से मिला है। लेकिन जब भी यहां पर नीचे आ रहा है और फिर से यहां पर अच्छा खासा बाउंस बैक इसके प्राइस में देखने को मिल रहा है। आप लास्ट 7 डेज का चार्ट देख सकते हैं, 0.020 के लेवल से ऑलमोस्ट यहां पर 4.5, मतलब इसका जो प्राइस है वो 100% से ज्यादा बढ़ा हुआ अगर हम लास्ट 7 डेज में कंपेयर करें, और लास्ट 24 आवर्स में ही अगर हम देखें तो 50% के आसपास जो प्राइस है उसमें मूवमेंट देखने को मिल गई थी। ट्रेडिंग वॉल्यूम की अगर हम बात करें, 48% वॉल्यूम अभी भी यहां पर बढ़ा हुआ है। उसके अलावा अगर हम बात करें यहां पर वॉल्यूम की, काफी सारे कॉइन्स का जो वॉल्यूम है कहीं ना कहीं LUNC में ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वॉच लिस्ट आप देख सकते हैं, लगभग यहां पर 1 मिलियन से ज्यादा हो चुकी है, लगातार वॉच लिस्ट यहां पर ग्रो करते हुए नजर आ रही है। मतलब काफी सारे लोग अपनी वॉच लिस्ट में भी ऐड कर रहे हैं और कहीं ना कहीं अपना प्रॉफिट भी यहां पर वो बुक करते हुए चल रहे हैं, और उसी के साथ जो होल्डर्स की संख्या है वो भी यहां पर लगातार ग्रो करते हुए नजर आ रही है। अब आते हैं सीधे अपडेट्स की ओर, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहां पर LUNC की बाइनेंस पर क्या कुछ अपडेट्स निकल कर आ रही है। बाइनेंस की अगर हम बात करें, LUNC एट सेकेंड मोस्ट ट्रेडेड क्रिप्टो वाई BUSD ऑन बाइनेंस सून एट 1, जहां पर अगर हम BUSD के पेयर में बात करें, अभी तक बाइनेंस पर ये BUSD के पेयर में अवेलेबल हुआ है, USDT के पेयर में अवेलेबल नहीं हुआ। और BUSD के पेयर में आप देख सकते हैं नंबर 2 पर आपको देखने को मिलेगा ट्रेडिंग बेसिस पर, मतलब इसकी जो ट्रेडिंग है वो काफी ज्यादा हो रही है। मोस्ट ट्रेडेड क्रिप्टो बना हुआ है BUSD के पेयर में बाइनेंस पर। उसके ऊपर आप देख सकते हैं ETH आपको देखने को मिलेगा, लेकिन नंबर 2 पर, और वॉल्यूम भी आप देख सकते हैं $1.91 मिलियन। अगर आप मार्केट कैप की बात करें, जो यहां पर मार्केट कैप देखने को मिल रहा है LUNC का, वो $3 बिलियन के ऊपर पहुंच चुका है। उसके अलावा यहां पर बाइनेंस ने सपोर्ट प्रोवाइड किया हुआ है, बाइनेंस के द्वारा यहां पर एक अपडेट दी गई है जो आप देख सकते हैं। बाइनेंस एड LUNC USDT ट्रेडिंग पेयर, मतलब यहां पर LUNC का USDT में जो ट्रेडिंग पेयर है वो बाइनेंस के द्वारा अवेलेबल कर दिया जाएगा 9 सितंबर के आसपास, ये डेट बताई जा रही है। ऑफिशियली वैसे कोई अनाउंसमेंट यहां पर देखने को नहीं मिल रही है। इसके अलावा एक बड़ी अनाउंसमेंट जो ऑफिशियली यहां पर इनके द्वारा आई हुई है, जो यहां पर LUNC और USDC को लेकर टैक्स बर्न प्रपोजल था उसे लेकर जो नोटिस है इनके द्वारा यहां पर निकाल दिया गया है। बाइनेंस ने यहां पर ये नोटिस को शेयर किया हुआ है लगभग 13 आवर्स पहले, और इन्होंने ये कहा हुआ है कि वो यहां पर सपोर्ट जरूर करने वाले हैं, जो यहां पर 1.2% का टैक्स बर्न प्रपोजल है उसको कहीं ना कहीं सपोर्ट जरूर करेंगे। लेकिन अगर हम बात करें स्पॉट ट्रेडिंग की या फिर स्टेकिंग की या फिर फ्यूचर ट्रेडिंग की, तो उसमें यहां पर ये जो बर्न प्रपोजल है वो अभी अप्लाई नहीं किया जाएगा इनके द्वारा। मतलब यहां पर इन्होंने ये जो नोटिस शेयर किया हुआ है उसमें इनका ये कहना है, दे डोंट वांट टू टैक्स सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज ट्रांजैक्शन फॉर LUNC, मतलब सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पर जो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं LUNC के लिए, उसके थ्रू यहां पर जो बर्निंग है उसको ये सपोर्ट नहीं करने वाले हैं। 1.2% बर्न का प्रपोजल जो यहां पर काफी सारी कम्युनिटी जो है लगातार उसे मेंशन करते हुए नजर आ रही है। कम्युनिटी चाहती है कि बाइनेंस के द्वारा इसे सपोर्ट किया जाए, क्योंकि बाइनेंस की जो कम्युनिटी है वो काफी ज्यादा बड़ी है, काफी सारे होल्डर्स है जो बाइनेंस से जुड़े हैं, जिस वजह से यहां पर अगर बाइनेंस सपोर्ट करता है 1.2% टैक्स बर्न के प्रपोजल को यहां पर अप्रूव करता है, तो उससे कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा इंपैक्ट प्राइस पर पड़ सकता है। अगली अपडेट की अगर हम बात करें, सेतामा ऑफिशियल की तरफ से अपडेट प्रोवाइड की गई है, और इन्होंने भी यहां पर LUNC को लाइव कर दिया है सेता प्रो ऐप पर, मतलब इनकी जो एप्लीकेशन है उसके ऊपर जो LUNC है वो लाइव हो चुका है। न्यू लिस्टिंग यहां पर आप देख सकते हैं सेता स्वैप पर ये लॉन्च हो चुका है। और इसके अलावा अगर हम कुकॉइन की बात करें, कुकॉइन यहां पर सपोर्ट में आ चुका है, फ्रॉम 0 to 1.2% विल LUNC टैक्स बर्न प्रपोजल ब्रिंग न्यू एक्साइटमेंट। अगर हम यहां पर LUNC की बात करें, कुकॉइन के द्वारा सपोर्ट प्रोवाइड किया जा रहा है, और कुकॉइन पर लगातार मोस्ट ट्रेडेड कॉइन बना हुआ है LUNC, 1.2% का जो टैक्स बर्न है
है वो यहाँ पर अप्रूव कर दिया गया है कुकॉइन के द्वारा भी। तो बाइनेंस को कहीं ना कहीं यहाँ पर आगे आना चाहिए। इसके अलावा Gate.io की अगर हम बात करें, उसने भी यहाँ पर एक ट्रेडिंग कार्निवल है जो LUNC के लिए रखा हुआ है, मतलब LUNC यूजर्स के लिए जो गिव अवे है वो इनके द्वारा यहाँ पर रखा गया है। $10,000 का गिव अवे है। अगर आप यहाँ पर ट्रेडिंग करते हैं, ट्रेडिंग फीस ऑफ द कैंपेन विल बी यूज टू बाय बैक LUNC देन बी बर्न। और यहाँ पर इन्होंने ये कहा हुआ है कि जो भी ट्रेडिंग फीस यहाँ पर लगने वाली है इस कैंपेन की, उसको यहाँ पर यूज किया जाएगा LUNC को बाय करने में, और उसके बाद जितने भी कॉइन्स को यहाँ पर बाय किया जाएगा उस फीस के थ्रू उसे यहाँ पर बर्न कर दिया जाएगा। तो ऐसा ही प्रपोजल यहाँ पर कहीं ना कहीं काफी सारे जो एक्सचेंजेस है वो फॉलो करते हुए नजर आ रहे हैं और कुछ आने वाले टाइम में कर सकते हैं, जिससे यहाँ पर कम्युनिटी काफी ज्यादा एक्साइटेड है कि इसके प्राइस पर इम्पेक्ट पड़ेगा क्योंकि बर्निंग लगातार होगी। अगर हम यहाँ पर इस इवेंट की बात, ये यहाँ पर 11 सितंबर से शुरू होने वाला है, और उसके अलावा अगर हम बात करें अदर एक्सचेंजेस की तो वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पर सपोर्ट में आ सकते हैं। और प्राइस की अगर हम बात करें, प्राइस में अभी भी यहाँ पर जो उछाल है कहीं ना कहीं वो देखने को मिल सकता है, क्योंकि जिस प्रकार से यहाँ पर एक्सचेंजेस आ रहे हैं, कम्युनिटी एक्साइटेड है, कम्युनिटी सपोर्ट में आ रही है, जो प्राइस है वो बढ़ सकता है। लेकिन थोड़ी रिसर्च और एनालिसिस करने के बाद ही आपको कॉइन में इन्वेस्ट करना है, क्योंकि क्रैश के बाद अच्छा खासा डाउन में गया, उसके बाद अच्छा खासा बढ़ रहा है। लेकिन अगर हम $1 की बात करें वो जाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी जो प्रॉफिट है वो लगातार ये कॉइन देता हुआ नजर आ रहा है। और कोई भी अपडेट पाने के लिए दोस्तों चैनल से जुड़ जाएं, साथ ही टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर ले, वहां पर भी आपको क्रिप्टो से जुड़ी हर एक अपडेट सबसे पहले प्राप्त होगी। अब हम आपको मिलते किसी और नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। थैंक यू।